अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियर डिजाइनिंग फॉर्म विश्व फार्म से। तो रेक्टेंगुलर कॉलम की कंक्रीट निकालने के लिए आपके पास कोई चढ़ाई 3x3 मीटर है और हाइट उसकी 10 मीटर है, तो आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ विर्थ और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सिंपल सा फार्मूला है, कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है, 3x3x10 करेंगे तो 90 क्यूबिक मीटर आपके पास इस कॉलम रेक्टेंगुलर शेप के अंदर के जो कॉलम्स होगी उसकी कंक्रीट आपके पास आ जाएगी। आप इस किस्म के जितने कॉलम्स हैं उनकी कंक्रीट को इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह सर्कुलर शेप के अंदर आपके पास कॉलम है और उसका रेडियस आपके पास 2 मीटर का दिया गया है और उसकी हाइट आपके पास 10 मीटर की है। उसका फार्मूला होएगा, इधर स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो आपने पाई की वैल्यू लिख लेनी 3.1415 मल्टीप्लाइड बाई आर टू मल्टीप्लाइड बाई टू या 2 का स्क्वायर लेना है और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देना है, तो आपकी कंक्रीट आ जाएगी। कंप्यूटर को आपने ओपन कर लेना है, पाई की वैल्यू को आपने लगाना है मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर ले लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई आप 10 कर दें इसके साथ, तो ये आपके सामने कंक्रीट आ जाएगी 125.664 सर्कुलर शेप की। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।